हेलो एवरीवन वेलकम टू दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफको एजीटी की जो मेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी थी कि सर कैसे इसको प्रिपेयर करें एंड जनरली अगर आप इफको का पेपर देखेंगे तो वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है जब हम कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है तो कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है कि उसमें लगभग जितना बेसिक एग्रीकल्चर है वो सारा कुछ पूछा जाता है और जब भी ऐसे बेसिक की बात हम करते हैं तो उसमें एग्रोनॉमी और सोयल साइंस का पार्ट बहुत ज्यादा होता है हॉर्टिकल्चर का भी ज्यादा होता है और इफको में जो एक एक्सेप्शन देखने को हमें मिलता है जो कि बाकी बेसिक एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जनरली पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे बट इफको के पेपर में आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन भी ज्यादातर दिखेंगे यहाँ पे चाहे सेल साइकिल से रिलेटेड है मियोसिस माइटोसिस से रिलेटेड और जो बेसिक मेंडेलियन जेनेटिक्स होती है या फिर कुछ एक्सेप्शन जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के उतना आपने पढ़ना है और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में स्पेसिफिक जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के सेल साइकिल सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे सो so, हम यहाँ भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी पढ़ना है तो आज की हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको ये बता सके कि एग्रीकल्चर में जो पार्ट ए है उसमें एग्रीकल्चर जो पूरा पार्ट है उसमें आपको किस टाइप से पढ़ना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एनालिसिस जो इफको में इस बार ही मेंस में क्वेश्चन सॉरी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बेसिस में हम ये कोश, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सो so दैट कि जब आप पढ़ना शुरू करें जब भी आप अपना रिवीजन करें तो आप वो सारी चीजें देखते हुए चलें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बेसिकली पेपर का पैटर्न है आपको पता चली गया होगा ये आपको मेल भी आया होगा मेल में भी ये है एग्रीकल्चर के हंड्रेड क्वेश्चन बाकी ये फिफ्टी क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला दो पार्ट है अगर आप जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखेंगे तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पार्ट पढ़ा होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं आपने देखा है कि जो कम्युनिकेशन uh, की मेथड होती है चाहे इंडिविजुअल मेथड हो मास मीडिया मेथड हो वो ग्रुप मेथड हो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जो सॉरी मॉडल्स हैं जो कम्युनिकेशन मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप वो भी उसको पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा जो लीडरशिप या मैनेजरियल थ्योरीज हैं वहां पे जाने की जरूरत नहीं है जो हमारा एक्सटेंशन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में जब हम कम्युनिकेशन के जो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे उनको आप रिवाइज करेंगे तो वो सफिशियंट है देन जनरल अवेयरनेस में भी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सिनेरियो जो स्टेट की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ये सारे डेटा होते हैं ये हम आपको अपने डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स के थ्रू भी देते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी डालते हैं तो वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं ये आपका कवर हो जाएगा इसके

है ना तो उसको हैंडल करना है तो हमने ये समझना है कि कैसे वहां पे काम होता है क्या वहां पे लोकल गवर्नेंस का मेथड है तो ये बेसिक आपको होना चाहिए और पंचायती राज आप सभी ने पढ़ा होगा इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको पढ़ना है कि थ्री टीयर सिस्टम कब था कब शुरू हुआ और अभी टू टीयर सिस्टम कैसा है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब मिला और बेसिकली क्या क्या इसमें चीजें हैं या फिर क्या क्या इसमें प्रावधान है ओके तो पार्ट ए की बात करेंगे मैग्रोनॉमी से तो जैसा कि हमने फेज वन में भी देखा था प्रीलिम्स में भी देखा था बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्रोनॉमी से डायरेक्टली नहीं थे जैसे कि होता है ना सीड रेट कितना है या फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं थे पैकेज एंड प्रैक्टिस वाली जो हम बात करते हैं या प्रिंसिपल्स वाली बात करते हैं उससे क्वेश्चन थे जैसे आप देखेंगे हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन वर्ल्ड किसका है वीट क्रॉप का तो ये स्टेबल क्रॉप कौन सी है वर्ल्ड की इंडिया की स्टेबल क्रॉप कौन सी है किस स्टेट में कौन सी क्रॉप ज्यादा होती है वीट का हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है पैडी का कौन सा है ये सारी चीजें पूछी जाती है इसके लिए अभी हमने रिसेंटली एक एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर एंड अपना एक पीडीएफ रिलीज किया था उसका भी हम part two भी हम पार्ट रिलीज करेंगे क्योंकि अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी अपडेट आया है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट से तो वो आप जरूर उसको एक बार देख के जाएं बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है तीन चार चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि वीट का स्टेट हाइएस्ट कौन सा है यूपी है देन पैडी में वेस्ट बंगाल है टोटल फूड गेन में फिर से यूपी है सिमिलरली टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है मैंगो प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है पोटैटो प्रोडक्शन यूपी है वेजिटेबल के लिए यूपी है वेस्ट बंगाल नहीं है इससे पहले वेस्ट बंगाल होता था तो ये कुछ कॉमन है वो आपको हमेशा याद रहने चाहिए और वो हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया था देन ये मेज पीएच है अब मेज का पीएच पूछ लिया तो इस टाइप से कोई भी पूछे जा सकते हैं तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको डाउट भी होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर कभी कभी स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है अगर आपको नहीं भी आता है तो क्योंकि वो इक्वली डिफिकल्ट होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी हर क्रॉप के लिए क्योंकि मेज तो मेजर क्रॉप है बट अगर बाकी क्रॉप्स के लिए भी आप देखेंगे तो हर क्रॉप के लिए उसको याद करना मुश्किल होता है देन अगर ये क्वेश्चन आ ही गया तो थोड़ा सा आप इसको लॉजिकली आंसर कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पास पास वैल्यू नहीं है आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग रीजन है कंट्री का वहां पे कैसी सॉइल होती है उसके पीएच को एस्टिमेट करके आप बेसिकली इसको आंसर कर सकते हैं इंडिकेटर प्लांट फॉर द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये सनफ्लावर है वाटर हाईएस्ट कैपेसिटी इन टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया ये तो इसमें सोचना ही नहीं है कुछ फार्म यार्ड न्योर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम उसमें होता है कैसे कैसे बनाई जाती है कौन कौन सी मेथड्स हैं तो इस टाइप से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है अब एफ आई एम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको हमने वेटेज भी ज्यादा दिया था फर्टिलाइजर में जो हमने अभी सुबह टेन डेज स्टडी प्लान दिया है उसमें भी हमने इसको मेंशन किया था वो मेंशन करने का मतलब ही यही है कि आपको ये भी समझना है कि आपका जॉब रोल क्या होगा आप इफको में काम करने वाले हैं कि जो एक फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है तो फर्टिलाइजर या उससे उस सेक्टर उस से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए देन एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारी

सब कुछ मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में इस बार का प्रीलिम्स का पेपर भी आपको मिल जाएगा पूरे उसमें 150 है, आप उसमें जाइए और उनको अटेम्प्ट कीजिए और उसको सबमिट कर पता भी चल जाएगा आप कैसा कर पा रहे हैं क्योंकि तो कई बार हम खाली सुनते रहते हैं पर उससे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है वो आपको कैसे पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे इवन जो हमने अपना टेन डेज स्टडी प्लान भी बनाया हुआ है उसमें हर दिन दो कम से कम दो मॉक टेस्ट आपको करने हैं तो मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चाहे आप कितना ही पढ़ें देन आप देखेंगे इसमें भी अगर आप सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो सॉइल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन थे है ना जो हमारी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है उससे भी थे फर्टिलाइजर से भी थे सॉइल टाइप से भी थे तो हर टाइप का तो जितना सॉइल साइंस में होता है वो सारा ही आस्पेक्ट इसमें कवर्ड है तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक इक्रोनॉमी के बाद आपको सॉइल साइंस पूरी की पूरी कवर करनी है आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सॉइल कोलाइडल प्रॉपर्टीज से है बायोलॉजिकल uh, प्रॉपर्टीज से है अमाउंट ऑफ वाटर इन द दॉल है ना ये इरिगेशन और इसके सा, सारी चीजें इसमें भी है लीस्ट वेदरेबल मिनरल और ये वाले क्वेश्चन भी थे हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप ऑफ क्ले पार्टिकल में होता है सिल्कन साइड फिनोमेना किस सॉइल में होता है वर्टिस में होता है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पीडोन तो अभी देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल भी पूछा गया था एंड क्ले लेवल पे भी उसको पूछा गया है मतलब ओर एंड मिनरल लेवल पे भी पूछा गया है तो जितने भी पार्ट सॉइल uh, की प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये आपको अच्छे से इसको पढ़ के जाना है एंड अगर आप इन सारी चीजों के लिए अरुण कात्यायन भी पढ़ के जाते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा क्योंकि अरुण कात्यायन में सॉइल साइंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है वॉल्यूम वन में तो वो आप जरूर उसको कवर करके जाए देन हॉर्टिकल्चर की अगर आप बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल uh, क्वेश्चन थे बट यहाँ पे uh, कुछ क्वेश्चंस ऐसे वाले बहुत सारे बेसिक्स थे हालांकि क्योंकि क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट्स के उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट थे कहीं पे क्वीन ऑफ नट्स क्वीन ऑफ फ्रूट्स इस टाइप से पूछा गया था तो ये बेसिक टाइप की चीजें भी थी क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी ये किसकी वेराइटीज है चोक थ्रोट इन बनाना किसकी वजह से होता है डीग्रीनिंग इन फ्रूट मन तो अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे बेसिक है बेसिक कहने का मतलब होता है कि क्रॉप से नहीं है स्पेसिफिक कि पोटैटो प्रोडक्शन के लिए अनियन प्रोडक्शन के लिए गार्लिक प्रोडक्शन या जितने भी स्पाइसेस हैं या फिर कुछ और पर्टिकुलर क्रॉप को कल्टीवेशन करने के लिए क्या क्या सारी चीजें चाहिए वो नहीं था बेसिक जनरल सी चीजें हैं जितनी आप पढ़ते ही हैं ग्लोस्टर्स पढ़ने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आप उसका बेसिक पढ़ सकते हैं पूरी बुक पढ़ेंगे तो अगेन वो बहुत लंबी बुक है अगर वन लाइनर वाली बुक्स पढ़ना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर लाइन को याद करने की आपको जरूरत होती है देन जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सेप्शन है इफ एजीडी का एग्जामिनेशन जिसमें जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदरवाइज जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन होते हैं जनरली प्लांट बिल्डिंग नहीं पूछा जाता है इवन आप ए का भी देखेंगे तो ए में कोई भी क्वेश्चन जेनेटिक्स प्लान बिल्डिंग का नहीं आता बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि वाई मेडल यूज पी प्लांट क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन जो हम बनाते हैं आपने देखा होगा जो हम क्रोसेस बनाते हैं तो इसके लिए हम इस टाइप से बनाते हैं चाहे जितने भी इसमें पेरेंट्स हो ओके जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसके बेसिस पे हम बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इन दोनों को बेसिकली पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं मोनोहाइब्रिड के, के केस में डाया के, के केस में है तो ये जोमेट्री का पूछा था अगेन ये बेसिक क्वेश्चंस है मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट ब्रीडिंग से तो हालांकि क्वेश्चन नहीं थे जेनेटिक्स से ही क्वेश्चन थे और जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन सेल साइकिल सेल डिवीजन थे मियोसिस माइटोसिस से क्वेश्चन है देन उसके बाद मेंडिलियन जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स आप देखेंगे तो मेंडेलियन जेनेटिक्स दो लॉ में सिमट जाती है हालांकि सिमटती नहीं है वो बहुत बड़े लॉ है बट आपको बेसिक ही पढ़ना जितना ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ जिसे हम बोलते हैं या फिर ये दोनों लॉ आपको बेसिकली समझने मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिट्रिड क्या है दोनों में क्या है लेकर आएंगे में, में डिस्कस करेंगे। और एक बार हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में जेनेटिक्स को बहुत प्रॉपरली कवर किया था तो आप वो भी देख सकते हैं बेसिकली खैर ये तो लाइफ साइकिल का पार्ट है पादप जेनेटिक्स जर्मिनेशन प्लांट में ही हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं vv पेरी कहते हैं क्रॉसिंग टू ईदर ऑफ द पेरेंट अगर किसी भी उसमें आप ये देखेंगे अगर ये क्रॉस है ये हमारा f1 है अगर इसको किसी भी पेरेंट्स हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं अगर हम इसको केवल जो

पानी दे दो ना लिप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो आ, यहाँ पे ये यह पूछा था कि सिनॉप्सिस कहाँ पे होगी सिनॉप्सिस होती है जाइगोटीन में देन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर देन यहाँ पे सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो ये बीच की तीन स्टेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बाकी फिर

एग लार्वा प्यूपा अडल्ट और अगर इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस होती है तो एग नेम फेन अडल्ट तो ये चीजें ध्यान रखनी है असम सिल्क सिल्क सेल्चर से मैंने आपको बताई दिया कि इससे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं Then, इसमें अगर आप कंप्लीट भी देखेंगे प्लांट प्रोडक्शन में तो एंटोमोलॉजी है तो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इसके अलावा कुछ अर क्वेश्चंस थे अदर क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे बट एनिमल हस्बेंड्री में भी ज्यादा क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मिल्स ब्रीड कौन सी है फेमस जो इंडियन मिल्स उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अगर आप देखेंगे वो फूड टेक्नोलॉजी से थे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है डाइस्टाइल है हाउ फूड इज एडजस्ट बाय बाय द कंज्यूमर डिस्कवर्ड तो जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट होता है या फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस वाला पार्ट होता है उससे यहाँ पे क्वेश्चन थे तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो पार्ट ए है आपका उसके लिए आपको एग्रोनॉमी सॉइल साइंस हॉर्टिकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी

पैथोलॉजी uh, में इंडिविजुअल जो फंजाय है उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ना वो सारा कुछ नहीं पूछा गया था प्लांट ब्रीडिंग में बहुत अंदर की कोई भी चीजें नहीं पूछी गई थी तो बेसिक बेसिक आपको सब कुछ पढ़ के जाना तो रीजनिंग भी नहीं है हमने अपने वीडियो में भी स्टूडेंट हमारे का कोर्स है, फ्री वाला कोर्स लिया है तो उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है जीए के लिए आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट पढ़नी है जीए के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट सोर्स बता देता हूँ कि आई एग्जाम मंथली बीपीडिया वीकली बीपीडिया एज वेल एज डेली बीपीडिया तो हम लोग बीपीडिया प्रोवाइड करते हैं जो पूरा जनरल अवेयरनेस के लिए है। हालांकि बहुत बड़ी है दन, दस दिन में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो आप क्या करना है आपको जो मे मंथली मन्त बीपीडिया है उसमें जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट या फिर जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है उसको छोड़ के आप पूरा नीचे का पार्ट पढ़ सकते हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी कवर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर होती है इंडिया की जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो डिस्कस वो डिस्कस होते हैं तो बीपीडिया आप जरूर डाउनलोड करें और बाकी जैसा मैंने आपको सुबह भी बताया था कि हम अपने आईबीपीएस एफ ओ के कोर्स में ही सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितने भी हमारे EFO के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो यहीं से सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंटेंट भी प्रोवाइड कराया है मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड प्रोवाइड कराए हैं इसके अलावा जितने भी मिसलेनियस टाइप के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं अभी रिसेंटली रबर बोर्ड का हुआ था तो वो भी हमने यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं क्योंकि आप देखेंगे जो पार्ट ए है वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर तो कॉमन है यहां भी मेंस में पूरा एग्रीकल्चर ही है इसके जो फुल एंड प्रैक्टिस टेस्ट है वो इसके लिए भी काम आएंगे वो इसके लिए भी काम आएंगे तो ये दोनों ही आप इजिली कर सकते हैं देन इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट है फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है आप ये दे सकते हैं मेंस में ये ये हुआ है कि ये टाइमिंग 40 minutes, 45 minutes से बढ़ा के 65, 60 minutes कर दी गई है। then इसके previous year पेपर आपको यहां पे मिल जाएंगे। and then IBPS, तो ये आप जरूर attempt करें and then अपनी preparation को अच्छे से करें। इसके अलावा आप हमारा कोई भी अभी कोर्स लेते हैं तो यू विल गेट फोर्टी परसेंट ऑफ आप डेमो एक्टिवेट कर सकते हैं कोर्स को विजिट कर सकते हैं उसके बाद आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है बाकी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था लास्ट टाइम पे लास्ट दस दिन में बहुत सारी नई चीजें जमा करने से या पढ़ने से नहीं होगा आपको चीजों को रिवाइज करना होगा रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, कहीं से भी पढ़ें बस सोर्सेज थोड़ा सा अपने फिक्स करें और वहीं से पढ़ें बहुत ज्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया में ना लगाएं और रेगुलरली आपको क्या करना है जितने मॉक टेस्ट हैं उनको देना है और अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है सो रिवीजन इज द की टू सक्सेस आप कुछ भी करें चाहे कितना भी आप पढ़ लें अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं जितना अच्छा रिविजन अपने नोट से होगा उतना कहीं से भी नहीं होगा सो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे आट